हाँ तो दोस्तों, अभी हाल ही में गूगल प्लस जो हो चुका है वो बंद। गूगल प्लस यार आखिर क्यों बंद हुआ, इसमें क्या रीजन था यार, कितने डेटा लोगों का लॉस हुआ और क्या क्या इसमें लोगों की हानियां, और क्या रखते थे फाइल लोग, कैसा होता था सिस्टम इसमें, और गूगल प्लस को बंद करने का रीजन सबसे बड़ा क्या था। तो आज हम उसी उसी के बारे में आज हम बात करने वाले इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ पूरी जानकारी पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुदेव जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो यहाँ पे पहली बात निकल के आती है वो ये है कि लोग ज्यादा से ज्यादा गूगल मैप में डाटा को सेव कर देते थे, स्टोर कर देते थे उसी में। मतलब कि जहां होते कि फाइल पाते थे, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट भी ना हो फिर भी उसको गूगल, यानी कि गूगल प्लस में स्टोर कर देते थे। तो ये एक बड़ा भी कारण था कि गूगल प्लस में ज्यादा वो डाटा हो गए, और गूगल का जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम होता है वो उसको समझ ही नहीं पाया, और लोगों को डेटा होने लगे लॉस, और जो होने लगा लॉस लोगों का डेटा, हाँ तो गूगल प्लस में इतने ज्यादा डेटा हो गया कि वो होने लगे लीक, और धीमे धीमे ऐसे लोगों के हाथ में जाने लगे जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है लोगों के लिए। और गूगल को अंत में ये करना पड़ा कि अपने गूगल प्ले सर्विस को बंद ही करना पड़ा, यानी कि गूगल प्लस सर्विस को बंद करना पड़ा। हाँ तो यार, वैसे ज्यादा गूगल प्लस का यूज होता तो नहीं था फिलहाल अपने इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, होता तो बहुत था लेकिन फॉरेन में उसका ज्यादा यूज होता था। लाइक जैसे कि मेरे इंडिया में होता है व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इन्हीं यानी कि इंस्टाग्राम भी है इसमें, और इन चारों का यूज बहुत ही ज्यादा होता है। और इसमें से देखा जाए तो व्हाट्सएप और फेसबुक सबसे ज्यादा यूज करते हैं लोग। तो इसमें से होता ये है कि यहाँ पे जो गूगल प्लस की सर्विस थी वो थी कम, और बाहर में थी इसके प्रयोग ज्यादा, और बाहर में लोग जो थे ज्यादा फॉरेनर जो थे, यानी कि उनका डाटा जो होने लगा लीक, और कुछ उसमें इंडिया के भी लोग शामिल है ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे में होता ये है कि मान लीजिए लोगों का अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसमें कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, उनकी फोटोज वगैरह, या फिर कुछ भी उसमें एनी डाटा कुछ भी अगर उसमें स्टोर करके गूगल प्लस में रखे हुए हैं, अगर उनका डाटा होता है लीक तो उनको होती है बहुत ही बड़ी समस्या। अगर मान लीजिए आपका ही डाटा अगर लीक हो जाता है तो आप क्या करेंगे, आपकी समस्या तो आ जाएगी, यानी कि आपका डाटा अगर कहीं पे चला जाता है तो आपके पास बहुत ही समस्या आ गई। ये तो गूगल प्लस के साथ भी ऐसा हुआ, यानी कि लोगों के साथ ऐसा हुआ, तो गूगल प्लस को मजबूरी में ये सब करना पड़ा कि उसको करता ना तो लोगों का डेटा और होता लीक। और गूगल के जो डेवलपर थे वो खुद ही नहीं समझ पाया कि किस तरीके से मेरा डेटा, यानी कि लोगों का डेटा जो है लीक हो रहा है, और उसका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो खुद ही नहीं समझ पाया कि ये डेटा कहाँ से लीक हो गया और कहाँ पे गया। हाँ तो इसका सबसे मुख्य कारण यही था कि लोगों का जो हो रहा था डेटा लीक, इसलिए गूगल प्लस को बंद किया गया। और गूगल प्लस को बंद न किया जाता तो डेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों का लीक होता और उनके पास समस्या आ जाती, और गूगल प्लस के पास भी समस्या आ ही गई थी, इसलिए उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा और गूगल प्लस को बंद करना पड़ा। हाँ तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई, गूगल प्लस को किस तरीके से बंद किया गया, यानी कि क्यों बंद किया गया, और लोगों का डाटा लीक होने की वजह से बंद कर दिया गया, और काफी इसमें समस्या आ गई थी कि लोगों का कॉन्टेक्ट, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह, यानी कि जो जहाँ पे पेमेंट करते थे, और वो भी जहाँ यहाँ तक कि यानी कि उनकी पूरी स्टोरेज, यानी कि जो गूगल प्लस पे थी वो सारी के सारी स्टोरेज हो गई थी लीक, इसलिए गूगल प्लस को बंद करना पड़ा और गूगल को ऐसा कदम उठाना पड़ा क्योंकि बहुत से ज्यादा डेटा हो गए थे लीक। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आज तक के लिए नहीं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।